यहां पर बात की जाएगी इस पर्टिकुलर आर्टिकल के बारे में जो बात की जा रही है सुप्रीम कोर्ट के अंदर में। अभी एक केस पहुंचा, ठीक है, अभी मैं आप लोगों को दो चीजें कंपेयर करके बताऊंगा यहां पर, जिसमें हम लोग यहां पर बात करेंगे हमारे देश के अंदर के कानून के बारे में। यानी कि ऐसा नहीं कि आप लोग प्रेगनेंसी कैसे टर्मिनेट कर दोगे, तो इसको आप लोग समझिएगा यहां पर अभी मुद्दा क्या निकल कर आया। अभी पहले जैसे मैंने बताया कि 20 हफ्ते की प्रेगनेंसी के बारे में आप लोगों से बात की, ठीक है, अभी यहां पर बात की जा रही है 24 वीक की प्रेगनेंसी के बारे में। पर लेकिन यहां पर दूसरा जो नया अपडेट आया हमारा, ये था 2021 का, जिसमें मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी के बारे में बात की जा रही थी, उसमें 24 वीक के बारे में बात की। अभी सुप्रीम कोर्ट में जो केस पहुंचा है वो पहुंचा है 26 वीक का। तो यहां पर अभी इसी को लेकर बहुत ही ज्यादा जद्दोजहद चल रही है कि अलाउ करना चाहिए या फिर नहीं अलाउ करना चाहिए। यहां पर बात की जाएगी इस पर्टिकुलर आर्टिकल के बारे में जो बात की जा रही है सुप्रीम कोर्ट के अंदर में। अभी एक केस पहुंचा, ठीक है, अभी मैं आप लोगों को दो चीजें कंपेयर करके बताऊंगा यहां पर, जिसमें हम लोग यहां पर बात करेंगे हमारे देश के अंदर के कानून के बारे में। एक तो कानून है यहां पर 1971 का, ठीक है, और दूसरा कानून आप लोगों को देखने को मिलेगा जब अमेंडमेंट करके लेकर आया गया, तो यह है 2021 का। तो इन दोनों कानून को जब हम लोग कंपेयर करके देखेंगे तो तब आप लोग यहां पर समझ पाएंगे कि रियलिटी में आज की डेट में और पहले में क्या डिफरेंस था। पर लेकिन जो आज की डेट में कानून है हमारे पास में, वो भी आप लोगों को अप टू द मार्क देखने को नहीं मिल रहा है, उसके अंदर भी कोई ना कोई प्रॉब्लम आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये सारी चीजें जो है हम लोग समझ पाएंगे, उसके साथ में कनेक्ट कर पाएंगे, जिसको आप लोग मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के नाम से आप लोग जानते हैं। तो 1971 का एक्ट है और एक है 1921 का एक्ट। आप लोग अच्छा यहां पर एक चीज सोचकर देखो, जैसे यहां पर कोई बच्चा जब पेट में मतलब बनना स्टार्ट होता है, ठीक है, उसके बाद में आप लोग देखो कि उसकी किस तरीके से जो उसकी एक तरीके से स्ट्रक्चर बनती है, तो ये बड़ा ही क्यूट सा प्यारा सा बच्चा है जो माँ के पेट में है। यहां पर देखो ये इसका ड्यूरेशन देखो, यहां पर ये बेसिकली ये एक तरीके 4 हफ्ते का बच्चा है, ठीक है, ये 8 हफ्ते का है, 12 हफ्ते का है, 16 हफ्ते का है, तो ये वीक्स में देखने को मिलेगा। ये हो गया यहां पर 20 हफ्ते का बच्चा, ये यहां पर हो गया 24 हफ्ते का बच्चा, और यहां पर हो गया 28 हफ्ते का बच्चा। तो यहां पर आप लोगों को रुक जाना है, क्योंकि पूरा का पूरा आर्टिकल जो है वो यहां पर इसके इर्द गिर्द यहां पर घूमने वाला है। मतलब क्या है इसका, इसका मतलब यहां पर ये कि अभी फिलहाल एक जो औरत है, एक जो महिला है, वो कोर्ट में जाती है और कोर्ट में जाकर बोलती है कि मुझे अपनी प्रेगनेंसी जो है वो टर्मिनेट करनी है। मतलब कि प्रेगनेंसी टर्मिनेट करनी है, और उनकी प्रेगनेंसी जो हो चुकी है वो कहां पर है, ये है यहां पर 26 वीक की प्रेगनेंसी उनकी हो चुकी है, तो इस प्रेगनेंसी को वो टर्मिनेट करना चाहते हैं। पर लेकिन मुद्दा क्या है जो आप लोगों को यहां पर समझना पड़ेगा, मुद्दा यहां पर यह कि हमारे देश के अंदर में जो कानून है, पहले पुराने वाला कानून था, ठीक है, तो पुराने वाले कानून में तो यहां पर हम लोग प्रेगनेंसी टर्मिनेट कर सकते थे, यानी कि इसके ऊपर जो है वो प्रेगनेंसी टर्मिनेट करना अलाउ नहीं था। यहां पर नॉर्मली 20 हफ्ते की बात यहां पर की जाती थी, ठीक है, हालांकि नॉर्मली अगर पहले 12 हफ्ते की कोई एक पर्टिकुलर प्रैक्टिशनर होना चाहिए, उससे आप लोगों को सलाह लेनी है, उसके बाद में 20 हफ्ते का अलाउ किया गया, तो 20 हफ्ते के लिए यहां पर फिर कम से कम 2 इंसानों से आप लोगों को सलाह लेनी है। पर लेकिन फिर कई सारी कंडीशन ऐसी बनी कि यार इसको बढ़ा देना चाहिए, तो 20 हफ्ते की जगह इसको बढ़ाकर अभी हमारे देश के अंदर में जो कानून है उसको 24 हफ्ते कर दिया गया है। यानी कि यहां पर उसको लाकर रख दिया गया कि 24 वीक की जो प्रेगनेंसी है उसको आप लोग टर्मिनेट कर सकते हैं, तो इसके लिए पर लेकिन सर्टेन कंडीशन रखी गई है। यानी कि ऐसा नहीं कि आप लोग प्रेगनेंसी को ऐसे ही टर्मिनेट कर दोगे, तो इसको आप लोग समझिएगा यहां पर अभी मुद्दा क्या निकल कर आया। अभी पहले जैसे मैंने बताया कि 20 हफ्ते की प्रेगनेंसी के बारे में आप लोगों से बात की, ठीक है, अभी यहां पर बात की जा रही है 24 वीक की प्रेगनेंसी के बारे में। पर लेकिन यहां पर दूसरा जो नया अपडेट आया हमारा, ये था 2021 का, जिसमें मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी के बारे में बात की जा रही थी, उसमें 24 वीक के बारे में बात की। अभी सुप्रीम कोर्ट में जो केस पहुंचा है वो पहुंचा है 26 वीक का। तो यहां पर अभी इसी को लेकर बहुत ही ज्यादा जद्दोजहद चल रही है कि अलाउ करना चाहिए या फिर नहीं अलाउ करना चाहिए। पहले जो यहां पर यह हुआ करता था, अगर कोई बिना इसकी परमिशन के यहां पर अलाउ कर देता था बिना एक प्रॉपर प्रोसीजर के, तो 1,000 रुपए का फाइन लगा करता था। अभी यहां पर क्या है, यहां पर अभी जेल भी ऐड कर दी है, अगर कोई कानून का उल्लंघन करता है तो यहां पर 1 साल तक की जेल भी उसको की जा सकती है। क्यों? क्योंकि यहां पर कंडीशन ये बनती है कि जब जान की बात जा रही है, यहां पर अब महिला की जान की बात नहीं चल रही है, जच्चा और बच्चा दोनों की जान के बारे में बात चल रही है, ठीक है, जब दोनों की लाइफ की जान के बारे में बात चल रही है, तो इसलिए जरूरी है कि एक बैलेंस बनाकर चलना। ओके, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बताता हूं, अगर किसी मां के पेट में बच्चा है, तो यहां पर आप लोग ये देखिए कि मां के पेट में बच्चा है तो प्रेगनेंसी के बारे में हम लोग बात करें कि मां के पेट में एक बच्चा है, तो यहां पर कहीं ना कहीं उस मां की भी जिंदगी है साथ में कनेक्ट, और बच्चे की भी जिंदगी है, दोनों को अलग तो नहीं देख सकते। पर लेकिन कंडीशन क्या निकल कर आती है, कंडीशन तब निकल कर आती है, इससे पहले वाला जो कानून था वो अनमैरिड महिला के बारे में बात नहीं करता था, पर आज की डेट में लिविंग रिलेशनशिप में रहना और बिना शादी के बच्चे पैदा करना, ये भी एक बड़ा ही नॉर्मल सा समाज में एक्सेप्टेंस होती जा रही है इस चीज की। यानी कि पहले लोगों को बड़ा ओड लगता था
कि यार बिना शादी के बच्चा पैदा हो गया, पर लेकिन आज की डेट में कहीं ना कहीं लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। आप लोग अगर रोनाल्डो को देखोगे, बेसिकली वो बंदा जो है उसने शादी नहीं कर रखी अब तक, और उसके 3-4 बच्चे आए थे, ठीक है। तो ये आज की डेट में सऊदी अरेबिया में जो इन चीजों को एक्सेप्ट नहीं करता है, वो रोनाल्डो को फुटबॉल में वहां पर बेसिकली अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाकर उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो ये चीजें एक्सेप्ट हो रही हैं आज की डेट में सोसाइटी के अंदर में। तो ये मॉडर्न चीजें ध्यान में रखते हुए हमारे देश के अंदर भी जब अमेंडमेंट किया गया 2021 वाला, उसके अंदर में हमने ये चीजें डाल दी कि हाँ ठीक है यार, जब ये चीजें चल रही हैं तो हम लोग अनमेरिड वुमेन के लिए भी डाल देते हैं, क्योंकि उसकी भी हेल्थ के बारे में यहां पर बात की जा रही है, ठीक है। तो अभी यहां पर हमारे देश के अंदर में अगर आप लोगों से स्टेटमेंट देकर पूछे ना कि मैरिड वुमेन के बारे में बात की जा रही है, तो अनमैरिड वुमेन के बारे में आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि अनमैरिड वुमेन के बारे में भी बात की जा रही है, ना कि ओनली मैरिड वुमेन के। तो अगर स्टेटमेंट देकर आप लोगों से कोई पूछे, एक तो ये बात ध्यान रखनी है। दूसरा, यहां पर हम लोग क्या बात कर रहे हैं, अभी यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं मां के बारे में, तो मां के बारे में बात कर रहे हैं और यहां पर बच्चे के बारे में बात कर रहे हैं, जो मां के पेट में बच्चा है, तो दोनों की हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं। तो अभी यहां पर ऐसा नहीं बोल सकते कि यार ओनली बस मां के बारे में सोच रहे हैं, क्यों, क्योंकि बच्चा जो है 26 वीक का हो चुका है, 26 वीक का एक प्रॉपर बेबी है पेट में, तो यहां पर अब इसको कैसे लेकर चल रहे हैं। तो अगर अबोर्सन करना है यहां पर बियॉन्ड 24 वीक, तो ये नेसेसरी है कि यहां पर जो पर्टिकुलर एक मेडिकल बोर्ड बनाया जाए और उसको देखे कि क्या कंडीशन है यहां पर, उसके हिसाब से चीजें लेकर चले जाएं, वरना सिचुएशन जो है वो यहां पर जान भी जा सकती है, ये इस लेवल पर है। पर लेकिन कई बार आप लोगों को देखने को मिलते हैं, मान लीजिए दो हस्बैंड और वाइफ थे, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बेबी प्लान किया, पर लेकिन कंडीशन ऐसी बन गई कि उनका जो है डाइवोर्स हो गया, ठीक है, अब वो महिला जो है उस बेबी को कैरी नहीं करना चाहती है, तो एक तो ये सिचुएशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। दूसरा, कई बार ये होता है कि कोई मान लीजिए एक्सीडेंटल डेथ हो गई पर्सन की, ठीक है, और वही घर में जो था कमाने दमाने वाला था सब कुछ, और महिला जो है वो एजुकेटेड भी नहीं है, तो यहां पर ये भी एक ऐसी कंडीशन बन जाएगी। आप लोग सोच के देखो एक मिनट के लिए, तो उस टाइम पर क्या कंडीशन निकल कर आएगी, उस टाइम पर भी सेम कंडीशन देखने को मिलेगी कि वो महिला जो है वो अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने की कोशिश करेगी, क्यों, क्योंकि अब तक उसके पास में खुद की जिंदगी चलाने के लिए भी साधन नहीं है, अब बच्चे को कैसे पाला जाएगा। तो बहुत सारी ऐसी सिचुएशन बनती है, कई बार क्या होता है बेबी जो होता है उसके बारे में पता नहीं चलता है, बेबी एबनॉर्मल हो गया है, तो अब क्या किया जाए, तो ये भी कंडीशन आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी। तो ऐसी बहुत सारी सिचुएशन है जो आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। तो इन सब चीजों को कैसे सुधारना है, तो उसी के बारे में आप लोग यहां पर समझ सकते हैं कि कोई ना कोई ऑल्टरनेटिव तो होना चाहिए ना, ऐसा थोड़ा ना कि सारी चीजें हम लोग बहुत ही ज्यादा रिजिड कर देंगे। तो इसी के चलते यहां पर चीजें निकल कर आ रही है। इवन यहां पर ये मैटर ऐसा हो जाता है, एक लीगल भी बनता है और एथिकल डाइलेमा बन जाता है। इसी में जो जस्टिस कोहली थे ना, उन्होंने यहां पर जब इसके लिए बात की थी, तो यहां पर दोनों की बातें, देखिए एक वुमेन है उसका पेट है, किसी और का तो पेट है नहीं है, तो ये राइट जो है वो महिला का है कि बच्चे को पेट में कैसे रखना है, पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, यहां पर ये निकल कर आएगा जो काफी इंपॉर्टेंट है, अब बच्चा भी है यार, बच्चा पेट में है, उसकी जो अगर आप लोग देखोगे 26 मतलब यहां पर लगा लो चलिए, ये इतना बड़ा बच्चा हो गया, अब उसकी भी दिल की धड़कनें चल रही हैं, वो भी एक तरीके से अपनी जिंदगी कुछ कुछ एक तरीके से आप लोग बोल सकते हो कि नहीं, एक लाइव एक पर्टिकुलर एक जीव पेट में पल रहा है, अब उसको मारना, तो सबसे बड़ा डिलेमा पता है क्या, अब यहां पर मां के बारे में सोचा जाए कि मदर भाई साहब इसको रखेगी या नहीं रखेगी, या फिर बच्चे के बारे में सोचा जाए। आप लोग बताओ, अगर आप लोगों से इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा जाए, आप लोग इसको कैसे देखोगे कि एक साइड में तो मां है और एक साइड में बच्चा है, और मजच्चा और बच्चा दोनों में अगर बैलेंस बना के चल रहे हैं, तो इसको किस तरीके से लेकर चलना चाहिए। अगर कोई खुद आप लोगों से ये बात पूछे, तो किसको आप लोग अलाउ करोगे, आप लोग अगर जज हो, बेसिकली जज की कुर्सी पर बैठे हो, कि प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर देना चाहिए या फिर कुछ भी हो अब प्रेगनेंसी को कैरी करना चाहिए, अगर आप लोगों से कोई ये क्वेश्चन पूछता है तो आप लोग इसका क्या सॉल्यूशन दोगे बेसिकली, ठीक है। तो ये आप लोग बताइए, देखता हूं आप लोग इसका क्या आंसर देते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि इसमें एक लीगल भी हो जाता है, क्यों, क्योंकि कानूनन हमारे देश के अंदर में क्या लिमिटेशन है वो देखने को मिलेगा। दूसरा, एथिकल भी है कि मां के बारे में सोचा जाए या फिर बच्चे के बारे में सोचा जाए, अब दोनों में से किधर जाएंगे तो ये सोचने वाली बात होगी। तो यहां पर इसीलिए बहुत जरूरी है कि इस चीज को ढंग से देखा जाए। तो इसलिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जब ये चीज ऑब्जर्व करी, उन्होंने खुद बोला कि यार ये एक ऐसा मैटर है जिसको चीजों को ढंग से लेकर चलना पड़ेगा, और इसको अभी मैटर को देखते हैं किस तरीके से सोल्व किया जाता है, क्योंकि जब ऐसा मैटर निकल कर आता है तो यहां पर कंडीशन ही निकल कर आती है कि बैलेंस कैसे बनाया जाए दोनों के बीच में, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर आप लोग स्टार लगा सकते हैं। तो कल को आप लोगों से पूछ जाए बाकी इसके बारे में, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी के बारे में जब आप लोग बात करेंगे, तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा पहले कानून था हमारे देश में, फिर कानून ये आ गया आज की डेट में, और फाइन और इम्प्रिजनमेंट दोनों चीज यहां पर देखने को मिल रही है, और अनमैरिड के लिए भी यहां पर अलाउ किया गया, पहले यहां पर अनमैरिड के लिए नहीं था, ठीक है, ओनली मैरिड महिला के लिए आप लोगों को देखने को मिलता था। और इसी के साथ में आप लोग यहां पर देखोगे पहले 20 वीक के लिए था, ठीक है, अभी यहां पर 24 वीक, ठीक है, तो ये देखने को मिलेगा। तो एक पर्टिकुलर कंडीशन लगा दी यहां पर, जो प्रैक्टिशनर है कौन इस तरीके से जिनको अलाउ किया गया है, यहां पहले 24 वीक के लिए यहां पर दो थे, अभी यहां पर 20 वीक, पहले 20 वीक के लिए दो थे,
अब यहां पर 20 वीक के लिए एक कर दिया है, और उससे ऊपर अगर जाता है तो दो, और फिर बोर्ड का गठन करने की बात की जा रही है। तो ये चेंजेस यहां पर है, तो इन कानून के दायरे में रखते हुए हम लोगों को यहां पर काम करना है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। कैरी करना चाहिए, कई सारे जो बोल रहे हैं कैरी करना चाहिए, जैसे सालू ने बोला, ठीक है, एक कई सारे और बच्चे बोल रहे हैं। देखो सबसे बड़ी बात यहां पर ही होती है ना, अब यहां पर दोनों ही चीजें हैं, कुछ लोग तो बोलेंगे कैरी करना चाहिए, कुछ लोग बोलेंगे नहीं कैरी करना चाहिए, ठीक है। मान लीजिए अब वो महिला है वो इतनी बुरी कंडीशन में है कि वो उस बच्चे को संभाल ही नहीं पा रही है, वो बच्चा अगर इस दुनिया में आ जा रहा है तो वो बिल्कुल ऐसी जिंदगी जी रहा है कि इससे अच्छा तो वो इस दुनिया में होता ही ना, तो वो वाला डायलेमा उसको कौन देखेगा, या तो वो किसी और को दे बच्चा और कोई और लेने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर क्या किया जाएगा। तो ये आप लोग समझ सकते हैं, तो सारी चीजें यहां पर एक बैलेंस बनाने वाली होती है, ठीक है। तो सिचुएशन समझनी पड़ेगी, ये ऐसे मैटर ना ये सब्जेक्टिव मैटर होते हैं, जैसे आप लोग एग्जाम देने जाते हो तो वहां पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है, तो उसमें क्या करते हैं आप लोग, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में होता है कि अच्छा ये कर लिया फिर ये नहीं किया, पर लेकिन जब सब्जेक्टिव होता है ना तो आप लोग को प्रोज एंड कॉन्स दोनों देने होते हैं, अच्छा ये कर लेते हैं या फिर ये कर लेते हैं, ठीक है। तो ये बैलेंस बनाने वाली यहां पर बात आती है। तो यहां पर मतलब मुझे तो पर्सनली अगर लगता है तो देखा जाए तो ज्यादातर मदर के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट होना चाहिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे उसी को पालना है वो बच्चा, ठीक है। हम तो डिसीजन देके जरा सी देर में साइड में हो जाएंगे कि हाँ यार नहीं उसको रख लेना चाहिए, उसके बाद में कोई देखने आता है। ये चीज मैं आप लोगों को बताता हूँ, अभी एक इंसिडेंट मैं आप लोगों को बताता हूँ। अभी एक पर्टिकुलर दोस्त है, तो उनके फादर साहब की डेथ हो गई थी, ठीक है। तो उनके फादर साहब की डेथ हो गई थी और उसकी जॉब नहीं लगी थी, तो घर में कंडीशन ये थी कि अब उसको घर चलाना है। तो जिस दिन उनके फादर साहब की डेथ हुई ना, पूरा समाज सोसाइटी उसको आकर सांत्वना दे रहे थे कि देखो अब घर में आप ही सबसे बड़े हो, आपको ही ये घर चलाना है, कभी भी किसी चीज की जरूरत पड़े तो हमारे पास में आ जाना, हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। मतलब सब सारे रिश्तेदार, सारे मतलब पड़ोसी अड़ोसी सारे लोग जो हैं उनको ये बातें बोल रहे थे आकर, पर इन रियलिटी में जब ग्राउंड लेवल पर सिचुएशन देखोगे आप लोग जाकर, जब इंसान की दिक्कत जब इंसानों को दिक्कत आए ना, तो फिर कोई नहीं खड़ा मिलेगा आप लोगों वहां पर, ठीक है। तो उस टाइम पर अभी बात हो रही थी कुछ दिनों पहले उससे, तो बोला था कि यार उस टाइम पर बहुत सारे लोगों ने बोला कि हाँ हेल्प करेंगे इस तरीके से, मतलब नहीं गुड अपनी गुड बुक में आने की कोशिश की थी कि हाँ हम तुम्हारे साथ में खड़े हैं, पर आज की डेट में कंडीशन इतनी खराब हो गई यार, समझ में नहीं आ रहा क्या करना है। आज की डेट में कोई भी हेल्प करने के लिए तैयार नहीं है, इवन फोन तक उठाना बंद कर दिया है। तो ये चीज आप लोगों को देखना पड़ेगा। तो मतलब अगर मतलब मेरे हिसाब से देखा जाए तो कहीं ना कहीं माँ के ऊपर ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि उन्हीं को हर एक दिन उसको बच्चे को अपने पेट में रखना है, उन्हीं को पैदा होने के बाद में हर एक दिन छोटी छोटी चीजें उसको खाना खिलाना, उसकी सुसुपोटी करना, सारी चीजें जो है उसका कपड़े पहलाना नहलाना धुलाना, उसको ही वो की चीजें करनी है, हम लोग नहीं करने वाले वहां पर जाकर। तो इसलिए सबसे बड़ी बात है कि यहां पर अगर माँ जो है उसको बच्चे को कैरी करना चाहती है तो मतलब माँ के हिसाब से, बाकी देखो मैं डिसीजन नहीं दे रहा हूं, मतलब मुझे पर्सनली ये चीज फील हो रही है, क्योंकि पैदा करके छोड़ देना भी उस बच्चे की जिंदगी के लिए एक जाति होगी। अगर उसको प्रॉपर ढंग से पता चला बीमारी लग के कुछ दिनों बाद उसकी डेथ होगी तो फिर क्या कंडीशन होगी यहां पर। तो ये एक बहुत ही एक ऐसा मुद्दा है कि जिसको अलग तरीके से आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी सिचुएशन आप लोग यहां पर समझ सकते हो, तो बड़ा ही एक डिफरेंट सा इश्यू है जिसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। तो कमेंट अगर इस पे लिखने के लिए आए तो आप लोग कुछ लिख भी सकते हैं, इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी मैं आप लोगों को दे दूंगा जो कि आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको लिए आप लोग डाउट मत रखना, तो कुछ भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा यार एक बात और, कल जो है मेरे फिर दिमाग से निकलेगा, कल जो है आप लोगों का बैच स्टार्ट होने वाला है एप्लीकेशन के ऊपर में, ठीक है। उसमें कई सारे बच्चे कुछ बातें मेरे से बोल रहे थे जो कि मुझे लगा कि इसके बारे में बात करते हैं। एक बच्चा कह रहा है कि सर मैंने ऑलरेडी यूपीएससी का कोर्स ले रखा है और मेरी सिस्टर जो है वो चाहती है आरओ एआरओ का कोर्स ले लो, तो क्या उसको डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं यहां पर बेसिकली टीम से बात की और फिर मैंने सोचा कि ये देखो कई सारे बच्चे इस चीज को बोल रहे हैं, अगर अपने बिहाफ में जो ऑलरेडी यहां पर कैंडिडेट है अपने बिहाफ में वो किसी को रेफर करना चाहते हैं तो वो यहां पर रेफर कर सकते हैं। कस्टमर केयर टीम पे जो नंबर है आप लोग यहां पर जाकर बोल सकते हैं, तो आप लोगों को यहां पर बता दिया जाएगा, आप लोगों को डिस्काउंट कूपन कोड जो है वो आप लोगों के साथ में शेयर कर दिया जाएगा और आप लोगों का नंबर जो है वो ऐड कर दिया जाएगा, तो आप लोग यहां पर उसको ले सकते हैं, ठीक है। पर लेकिन ये जो डिस्काउंट कूपन कोड है, क्योंकि क्लासेस जो है वो कल से स्टार्ट होनी है यहां पर, तो डिस्काउंट कूपन कोड जो है ये आप लोगों का आज शाम तक यहां पर लगेगा, तो उसके लिए आप लोग देख लीजिएगा यहां पर। सबसे बड़ी बात यहां पर ये कि जो ऑलरेडी ले चुके हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि यहां पर ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, आंसर राइटिंग कोर्स ले चुके हैं, वो कह रहे हैं सर हमको भी डिस्काउंट मिलेगा क्या। अगर आप लोगों ने आंसर राइटिंग कोर्स ले रखे हैं या फिर आप लोगों ने नोट्स वाला कोर्स ले रखा है या फिर इसके अलावा आप लोगों ने एप्लीकेशन पर कोई भी क्लासेस आप लोगों ने ले रखी हैं या फिर ईपीएफओ वाले बच्चे भी थे आप लोग, तो आप लोगों को सबको ओल्ड स्टूडेंट वाला डिस्काउंट आप लोगों को मिल जाएगा, तो वो आप लोग यहां पर यूज कर सकते हैं ओल्ड स्टूडेंट वाला कोर्स, ठीक है। तो जो ओल्ड स्टूडेंट वाला कोड है OLD, ठीक है 1000, तो ये आप लोग यूज कर लेना तो आप लोगों को डिस्काउंट मिल जाएगा ओल्ड स्टूडेंट वाला कोड, ठीक है। तो ये आप लोग यहां पर ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या है
यहां पर यह कि कई सारे बच्चे इसको रेगुलरली बोल रहे हैं, पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू यहां पर यह कि क्लासेस जो है उसमें हिंदी की क्लासेस भी कंडक्ट कराई जाएगी क्या? जी हाँ, उसमें प्रॉपर टीचर रहेंगे। आप लोग डेमो लेक्चर देख लेना, जिस दिन से क्लासेस स्टार्ट होगी 7 दिन के अंदर अंदर, अगर आप लोगों को लग रहा है कि नहीं यार ये क्लासेस ऐसी नहीं है जैसी हमें चाहिए थी, आप लोगों का पैसा बिना कुछ पूछे आप लोगों का रिफंड कर दिया जाएगा। ये पॉलिसी आप लोगों ने हर जगह देखी है, यूपीएससी की क्लासेस में भी हर जगह 7 दिन के अंदर अंदर। एक बार किसी को पैसा दे दे तो वो इंसान रिटर्न नहीं करता है, पर 7 दिन तक आप लोग सारी क्लासेस देखते हैं और आप लोगों को लगता है कि हाँ सही जगह आप लोग आ गए। क्योंकि यार जो टीम लाई जाती है ना उसको बहुत ही देख के सोच समझ के लाया जाता है, तो उसके बाद में भी आप लोगों को लगे कि आप लोग सिंक्रोनस नहीं कर पा रहे हैं तो आप लोग रिफंड के लिए बोल देना, इमीडिएटली रिफंड आप लोगों को मिल जाएगा। पर लेकिन जो ये कूपन कोड है ये आप लोगों का आज शाम तक अप्लाई होगा, जैसे ही कोर्स लॉन्च होगा ये कूपन कोड जो है फिर ये इनएक्टिव हो जाएंगे, ठीक है? फिर जो नॉर्मल प्राइस है उसमें है, और याद रखना जो प्राइस है वो प्रीलिम्स और मेंस दोनों का है। कई सारे बच्चे पूछ रहे हैं सर प्रीलिम्स का प्राइस ऐसा क्यों रखा, वो प्रीलिम्स का नहीं है और प्रीलिम्स और मेंस दोनों का है, फिर कह रहा है ठीक है सर अब सही लग रहा है। तो ये चीज आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना, ठीक है? तो ये कई सारे बच्चे इसको बोल रहे थे तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया। और जो ऐसा भी कर सकते हैं, कई सारे बच्चे कह रहे हैं सर आंसर राइटिंग ग्रुप हम लोग ले लें और उसके बाद में अगर हम लोग आरओएआरओ वाला कोर्स ले तो डिस्काउंट मिलेगा। जी हाँ बिल्कुल मिलेगा, तो ये आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं, मतलब उसी प्राइस में आप लोगों को आंसर राइटिंग और ये सारी चीजें आप देखने को मिल जाएंगी आराम से। तो ये आप लोग रिकमेंड कर सकते हैं अगर आप लोगों का कोई यार दोस्त है आपके भी हाथ में, ठीक है? तो ये आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। बाकी टेस्ट होगा जो भी यूपीएससी का और जो नॉर्मल टेस्ट आप लोगों का होता है उसके लिए आप लोग रेडी रहिएगा, क्योंकि उसमें पार्टिसिपेट जरूर करना है, क्योंकि प्रैक्टिस का टाइम फिलहाल अभी आ गया, अगर नहीं करोगे तो फिर दिक्कत में आओगे, ठीक है?